Hello everyone, let's have a discussion on induced polarization. This is called IP survey, which is a geophysical method, indirect method. If you are following my channel, in that module, geophysical module, in the playlist it is there. I have discussed extensively so far about magnetic survey, electrical resistivity survey. So now we'll be discussing about IP, which is a specified version of resistivity. If you would have understood resistivity survey, it will be easier for you to visualize IP, because so in case of electrical resistivity survey, electrode spacing or current electrode, potential electrode, extensively discussed in that video. I have already demarcated. I'll show in this upcoming slides also. You can easily find that resistivity survey. So from there, वो resistivity वाला survey वाला video से आप detail electrode का कैसे रखते हैं वो तो समझ जाएंगे ही, but इसमें बहुत basics चीज को बहुत crystal clear हो जाएगा आपका. देखो IP survey का use बहुत है, बहुत extensively use होता है, बहुत especially mineral exploration में, हाँ sulfides exploration में तो बहुत use होता है, hydrocarbon में use होता है, वाटर हाइड्रोजियोलॉजी में भी यूज होता है, अदर्स सर्वे में भी, अदर्स नॉन जियोलॉजिकल एप्लीकेशन तो है ही, बट वी विल बी रिस्ट्रिक्टिंग आवर डिस्कशन ऑन जियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट. सो ये एक डायरेक्ट मेथड है, ठीक है, सॉरी इनडायरेक्ट मेथड है. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड का डिफरेंस तो आपको पता है. इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है ना, आपको एक सोर्स चाहिए जो कि फॉर एग्जाम्पल इधर जैसे कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रिक जाता है ना, ग्राउंड को इलेक्ट्रिक चार्ज देता है, एंड देन दैट रेस्पॉन्स इज स्टडीड बाई पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन. बट लाइक मैग्नेटिक ग्रेविटी, इसमें आपको अलग से कोई सोर्स का जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप मेजर कर सकते हो प्रॉपर्टी. तो जिस जियोफिजिकल टेक्निक में आपको कुछ सोर्स का जरूरत होता है, जो सोर्स से कुछ एक प्रॉपर्टी जैसे कि आइदर करेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ जाके इंटरैक्ट करेगा, और सोर्स जो इन हिडन चीज है, जो सब सरफेस में कुछ फीचर्स अगर है, पर्टिकुलर बॉडी है, वो इंटरैक्ट करेगा और उसका स्पेसिफिक सिग्नेचर इम्प्रिंट्स आता है, जो कि हम लोग पर्टिकुलर डिवाइस से डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्टर से. तो मैग्नेटिक में ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट आपका मैग्नेटिक सेंसिटिविटी इन जनरली होता है, उसके लिए अलग से आपको कोई सोर्स मटेरियल सोर्स का जरूरत नहीं होता है, जो कि इसको एनर्जाइज करेगा, वो एनर्जी को आपको ये करना पड़ता है, डिटेक्ट करना पड़ता है, ऐसा नहीं है मैग्नेटिक ग्रेविटी में. बट इधर कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्वे, आईपी, ये सब में आपको कुछ ना कुछ एक सोर्स जरूरत होता है. हालांकि आईपी एंड रेजिस्टिविटी सिमिलर, सेम बोल सकते हो, बट रेजिस्टिविटी में क्या होता है ना, जब करंट इंजेक्ट करते उसी टाइम में आप पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेजर करते हैं. इसमें स्विच ऑफ करने के बाद करना पड़ता है, बिकॉज इसमें आईपी सर्वे में क्या है ना, कोई जो रेजिस्टिविटी सर्वे में क्या करते हो, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी ये सब मेजर करते हो ना, इधर चार्जेबिलिटी मेजर करते हो. चार्जेबिलिटी मतलब क्या होता है, कितना चार्ज उसमें एक्यूमुलेट हो जाता है, फिर धीरे धीरे डिसिपेट होता है. मैं बहुत आसान शब्द में दिखाऊंगा, ठीक है. इसके लिए एक डायरेक्ट करंट इंजेक्ट होता है ग्राउंड में, एंड व्हेन दैट करंट स्विच ऑफ किया जाता है उस टाइम वोल्टेज को मेजर करता है. देखो आइडियली करंट ऑफ होने से इमीडिएट वोल्टेज जीरो हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है रियलिटी में. इफ कोई सल्फाइड्स रहता है ना, वो तो बहुत टाइम से धीरे 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 वो वोल्टेज जीरो में आता है. यही प्रोसेस को, ये प्रॉपर्टी को हम लोग मेजर करते हैं. सो सबसे पहले बैकग्राउंड इफ वी सी स्लम्बरजर, जो कि स्लम्बरजर कंपनी भी है ना, तो इसका जो सबसे पुराना कॉन्राड स्लम्बरजर 1960 आई थिंक, वो देखो सेम अगेन रेजिस्टिविटी सर्वे के दौरान ही इन्वेंट हुआ था. इंड्यूस पोलराइजेशन, वो लोग पहले तो प्रोवोक पोलराइजेशन बोला था. प्रोवोक मतलब इंड्यूस, मतलब क्या है, आप पोलराइज कर रहे हो. पोलराइज मतलब क्या है, पोलराइजेशन मतलब कैटर्न एंड अलग अलग दो पोल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अलग अलग दूर में, जैसे कि अर्थ का दो पोल तो दूर एक दूसरे से दूर सेपरेट हो जाता है. सो सिमिलरली कैटायन एनायन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल बन जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर जाता है.
While making conventional resistivity measurements, Schlumberger noted that potential difference measured between the potential electrodes open did not drop instantaneously. जो कि हमें बोला ना कि करंट ऑफ होने से आइडियली तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, लेकिन अर्थ के थ्रू जब जाता है कोई अगर प्रॉपर मटेरियल रहेगा सल्फाइड्स, वो एक बैटरी का काम करता है। बैटरी क्या करता है, बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस रहता है बोल के ही तो हम लोग करंट मिलता है ना। सिमिलरली फॉर एग्जांपल सल्फाइड्स एंड दूसरा कोई मटेरियल, सल्फाइड्स में ज़्यादा अच्छी तरह बैटरी का काम होता है, चार्जेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, सो इंस्टेड द पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप शार्पली एट फर्स्ट देन ग्रेजुअली डिकेड टू जीरो। देखो जब स्विच ऑफ कर दोगे करंट का, तो करंट स्विच ऑफ करने से पोटेंशियल इमीडिएट जीरो होना है, इधर जीरो नहीं होता है, धड़ाम से बहुत ज़्यादा ड्रॉप होके फिर बाकी पार्ट स्लोली ड्रॉप होता है। शुरू में एक बड़ा सा ड्रॉप होता है स्विच ऑफ करने से, बट रिमेनिंग पार्ट धीरे 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 ड्रॉप होता है पोटेंशियल। यही प्रॉपर्टी, क्यों पोटेंशियल धीरे धीरे ड्रॉप होता है, वही चीज़ आईपी के माध्यम से जाना जाता है, वही इम्पोर्टेंस है। ठीक है, क्योंकि सर्टेन लेयर से अर्थ के नीचे कुछ कुछ लेयर से जो इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड हो जाता है, तो एक बैटरी का जैसा काम करता है। कौन कौन सा मटेरियल जनरली होता है, सेल मटेरियल्स, क्ले या फिर सल्फाइड बॉडी, ये सब रहने से ना आर्टिफिशियल नेचुरली बैटरी बन जाता है। ठीक है, ये बैटरी में क्या होता है, कैथोड एनोड बन जाता है ना, सो कैथोड कैटायन को या पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, एनोड एनायन को अट्रैक्ट करता है ना। तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन जैसे फ्लो होगा और अपोजिट, उसका अपोजिट में करंट फ्लो होता है। तो अर्थ में भी ऐसा मान लो एक सल्फाइड बॉडी है, जब इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोड से करंट इलेक्ट्रोड से पास करेगा ना, ऑटोमेटिक इसमें प्लस माइनस एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल डेवलप हो जाता है, कैटायनिक एनायनिक, तो उसमें क्या होता है, इसीलिए करंट डेवलप हो जाता है। तो इसीलिए जब सडनली करंट ऑफ कर दोगे, फिर भी ये होमोजिनाइज प्लस माइनस पोल से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने में थोड़ा टाइम लगता है, और वो टाइम धीरे धीरे आता है, वो स्टेज आने का टाइम तक आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलते रहता है पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन। तो बेसिक बैकग्राउंड में देखो ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ वी इक्वल टू आई आर मतलब वोल्टेज इक्वल टू करेंट इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी के माध्यम से बोलते हैं, रेजिस्टेंस वेरीज एज लेंथ एंड इन्वर्सली वेरीज विथ एरिया, है ना। जैसे एक पाइप से आप करंट फ्लो कर रहे हैं, पाइप से सपोज पानी जा रहा है, पाइप का जितना लेंथ होगा पानी उतना देर तक दूर में जाएगा, है ना, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, लेंथ के इक्वल्स लेंथ के अनुसार रेजिस्टेंस बढ़ेगा। बट एरिया, अगर पाइप बहुत बड़ा सा पाइप है, चौड़ा है, तो ज़्यादा फ्लो करेगा, दैट मीन्स एरिया के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हैं, रेजिस्टेंस एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, एंड लेंथ के साथ डायरेक्ट एरिया के साथ इनवर्स, तो उसको अपोजिट करने से क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंस देने को ही बोलते हैं रेजिस्टिविटी, है ना। तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू इंटू ए बाई एल हो जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी ये रो को बोला जाता है, ठीक है, और वन बाई रो मतलब कॉन्डक्टिविटी। तो अभी रेजिस्टिविटी एंड कॉन्डक्टिविटी समझ गया, तो रेजिस्टिविटी सर्वे में रेजिस्टिविटी मेजर करते जब करंट फ्लो करता है, जब स्विच ऑफ कर दिया तब क्या होगा, तब वोल्ट को देखना पड़ता है। तो स्विच ऑफ के दौरान क्या बोलता है, वी जीरो, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम वी एकदम जीरो नहीं हो जाता है, इस वी जीरो मतलब वैल्यू जीरो नहीं है, इनिशियल वैल्यू को वी जीरो बोलता है जब करंट स्टॉप कर दिया, उसके बाद सर्टेन टाइम बाद वी टी, एक सर्टेन टाइम के बाद भी देख रहा है वोल्टेज है, ड्रॉप पूरा जीरो नहीं हो गया, तो ये मिली वोल्ट बाई वोल्ट, ये तो बड़ा वोल्ट है लेकिन इसमें भी मिली वोल्ट मिल रहा है ना, तो वो डिफरेंस को हम लोग चार्जेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, थीके? जितना टाइम जाएगा वो वैल्यू घटते जाएगा, लेकिन जीरो होने में टाइम लगता है। आइडियली अगर चार्जेबिलिटी जीरो है तब पूरा सा फटक से हो जाएगा। सो आईपी इज एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिशनल रेजिस्टिविटी सर्वेइंग, ओनली स्विच ऑफ मोड में होता है ना, लेकिन आईपी का दो डिफरेंस है, टाइम डोमेन फ्रीक्वेंसी डोमेन, ये सब तो है, इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्टली
आईपी मेथड में इसमें क्या होता है, सिंपल वे में अगर देखोगे, मेरा डिटेल वीडियो देख लेना रेजिस्टिविटी के लिए, इधर इधर मैं फोटो दिया हूँ, ऐसा रेजिस्टिविटी एंड सूडोस्ट्रक्चर बेसिक्स बोल के प्लेलिस्ट में जाने से आपको मिल जाएगा इधर, तो उसमें आप डिटेल इलेक्ट्रोड स्पेसिंग कैसे इलेक्ट्रोड होता है, सेम प्रोसेस में आईपी में भी सेम इलेक्ट्रोड होता है, कोई डिफरेंस नहीं। तो इसे करेंट इलेक्ट्रोड से करेंट जाता है, पोटेंशियल इलेक्ट्रोड से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, सेम कॉन्फिगरेशन होता है। सो डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर एनी इलेक्ट्रोड स्पेसिंग ए इज इंक्रीज्ड बाय यूजिंग रोटर इलेक्ट्रोड पेयर सेपरेशन एन वैल्यूज। जितना दूर में जाओगे इलेक्ट्रोड स्पेसिंग बढ़ा दोगे, डेप्थ तो बढ़ेगा। इधर देखो ना, इधर एक पर्टिकुलर ए बी है, इसको बीच में एम एन मान लो, तो ये जितना क्लोज रहेगा इतना, इसके बाद अगर दूर में लेके जाओगे बड़ा सा लूप से जाएगा ना, वही चीज़ को बोल रहे हैं, डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा। इधर मान लो ए एन बी है तो इसका इफेक्टिव डेप्थ इतना है, अगर ए के ए इधर बी इधर आ जाएगा तब करंट ऐसा करके जाएगा, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन बढ़ जाएगा। तो वैसे ही इलेक्ट्रोड डाटा डिफरेंट टाइप का होता है, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूँगा, बिकॉज देखो ऑलरेडी वही जो दिखा है ना रेजिस्टिविटी में बहुत डिटेल में है। हालांकि डाइपोल डाइपोल अरे ग्रेडियंट अरे सेम यूज होता है, इधर एक डिफरेंस है इसीलिए इसको रखा हूँ। देखो जैसे कि करंट इलेक्ट्रोड का ए सेम लाइन में बीच में आप पोटेंशियल इलेक्ट्रोड रखते हो ना, इधर ऐसा जरूरत नहीं। फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन द ग्रेडियंट अरे सिमिलर टू द स्लम बाजर अरे एक्सेप्ट दैट पोटेंशियल इलेक्ट्रोड्स डू नॉट हैव टू बी केप्ट इन लाइन विद द करंट इलेक्ट्रोड्स, इट कैन रोव इट, ठीक है, बिकॉज द करंट इलेक्ट्रोड्स आर नॉट मूव, द ग्रेडियंट अरे इज यूजफुल फॉर रिकॉग्निशन सर्वेइंग ऑफ रिलेटिवली लार्ज एरिया, तो फास्टर हो जाएगा करंट इलेक्ट्रोड रहेगा। अदर देन दैट इलेक्ट्रोड अरे को ऐसा करके रख सकते हो डाइपोल डाइपोल में, इधर ए स्पेसिंग पोटेंशियल के बीच में भी ए स्पेसिंग, उसका इंटीजर मल्टीप्लीकेशन में आप करंट इलेक्ट्रोड पेयर एंड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पेयर का डिस्टेंस बढ़ा सकते हो, ठीक है, ये भी एक प्रोसेस है। नाउ इसके करने से क्या होगा, आपको देखो दो चीज मिलेगा, रेजिस्टिविटी एंड चार्जेबिलिटी। रेजिस्टिविटी जब स्विच ऑन मोड है रेजिस्टिविटी मिलेगा, स्विच ऑफ मोड में आपको चार्जेबिलिटी मिलेगा। इसमें देखो रेजिस्टिविटी का क्या है, ओहम मीटर अभी दिखा है ना, रेजिस्टिविटी का ओहम मीटर क्यों नहीं होगा, ये जो है आर ए बाई एल, ठीक है, आर मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम, ए बाई एल मतलब मीटर स्क्वायर बाई मीटर, तो ओहम मीटर हो गया, ठीक है। लेकिन चार्जेबिलिटी का क्या है, दो वोल्ट का तो रेशियो है तो यूनिटलेस है आइडियली, लेकिन हम बोलने के सुविधा के लिए मिली वोल्ट पर वोल्ट, मतलब जो एक्चुअली फाइनल है छोटा वोल्ट बहुत कम है जो एक्चुअल ग्राउंड से आता है, एंड रियलिटी में जो एक्चुअली नॉन वोल्ट है वो तो वोल्ट ज़्यादा है, मिली वोल्ट पर वोल्ट एक्चुअली तो यूनिटलेस है, लेकिन विथ टाइम कितना टाइम पे मेजर कर रहे हो उतना डिफरेंस आपको पता चलेगा, इसीलिए टाइम के हिसाब से बोलने में सुविधा होता है, मिली सेकेंड, ठीक है, मैं दिखाऊंगा इसको। सो ऐसा चार्जेबिलिटी कर्व मिलता है, आप कॉन्ट्रोल मिलता है, रेजिस्टिविटी कॉन्ट्रोल मिलता है सेम जगह का, फिर आप कंपेयर करके देखना कि बहुत सारे जगह पे चार्जेबिलिटी का यूज़ ज़्यादा होता है। तो इसमें इलेक्ट्रोड अरे में क्या है ना, फाइनली स्यूडो सेक्शंस का यूज़ होता है, स्यूडो सेक्शंस आर एक्चुअली डायरेक्ट रियल सेक्शन नहीं है, इसमें जो अपरेंट रेजिस्टिविटी चार्जेबिलिटी है, इसका डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इंक्रीज होता है एन स्पेसिंग के हिसाब से। सो स्यूडो सेक्शंस आर एक convenient means of plotting data acquired during variety of current and potential electrode separation in a single plot. As a rule of thumb, the depth of investigation is n a by 2. n मतलब integer multiplication of spacing बोला था ना, उसका half उतना तक होता है dipole array में. Although pseudo sections are useful for displaying data and for assessing, ये सब data analysis में finally जब data आता है ना उसमें use होता है, मैं extensively further discuss करूँगा. लेकिन फिलहाल सिंपल वे में प्रिंसिपल देखो, करंट जब इंजेक्ट होता है ग्राउंड में क्या होता है, ग्राउंड चार्ज जैसा पोलराइजेस, पोलराइज मतलब बैटरी जैसा बोला ना, कैटायनिक एनायनिक साइट क्रिएट हो जाएगा, तब फटक से जब करंट ऑफ करोगे कैटायनिक साइट से एनायनिक साइट,
क्या इलेक्ट्रॉन का एनायन से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तब भी करंट मिलेगा, दैट मीन्स पोटेंशियल मीटर में पोटेंशियल डिफरेंस तब भी दिखेगा। वो होने में एकदम यूनिफॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, पोलराइजेशन में से नॉन पोलराइज होने में टाइम लगता है। तो जिस टाइप का मटेरियल में ज़्यादा टाइम लगता है नॉन पोलराइज्ड होने में करंट ऑफ होने के बाद, वो ज़्यादा सेंसिटिव है, जैसे कि सल्फाइड्स। सल्फाइड्स को आप सिंपल एक रिचार्जेबल बैटरी जैसा मान सकते हो, सिंपल बैटरी, ठीक है। जब रिचार्जेबल मतलब जब चार्ज कर रहे हो, मीन्स सपोज करंट दे रहे हो, इस बैटरी का चार्ज बढ़ जा रहा है करंट ऑफ करने से, वो लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरोसेल जैसा लॉन्ग लास्टिंग देगा। और दूसरा मटेरियल नॉन सल्फाइड्स में चार्जेबिलिटी उतना ज़्यादा नहीं है, दैट मीन्स वो सब मटेरियल ऑर्डिनरी बैटरी मान लो, अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूँ, कि जब करंट से चार्ज कर लिया, करंट ऑफ कर दिया, तो ये तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है, यही तो डिफरेंस है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसीलिए सल्फाइड्स का इम्पोर्टेंस है। द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट द ग्राउंड विल होल्ड एंड द टाइम इट टेक्स टू एक्वायर एंड डिसिपेट द चार्ज इज डायग्नोस्टिक ऑफ द मटेरियल इन द ग्राउंड। इन आई पी सर्वेइंग नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड्स आर यूज, बिकॉज इलेक्ट्रोड अगर खुद पोलराइज हो जाएगा तो मेजर कैसे करेगा, एरर आ जाएगा ना। तो इलेक्ट्रोड बहुत प्रॉपरली चूज करना है, ठीक है। आई पी सर्वे डिफरेंट टाइप का हो सकता है, 2D 3D टोमोग्राफी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल प्रोफाइलिंग, वर्टिकल सैंडिंग, जैसा कि रेजिस्टिविटी में भी होता है ना। तो ये मेजोरिटी ऑफ आई पी सर्वे आर कैरड आउट यूजिंग आइदर टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी, उसके बारे में बात करेंगे। सो इन दिस मेथड द जियोफिजिसिस्ट क्या एक्चुअली खोजते क्या है, दे लुक्स फॉर पोर्शन ऑफ द अर्थ वेयर करंट फ्लो इज मेंटेन फॉर ए शॉर्ट टाइम आफ्टर इवन द अप्लाइड करंट इज टर्मिनेटेड। अब करंट देने से तब तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ही, दैट इज ओके, बट करंट ऑफ करने से भी करंट फ्लो हो रहा है, बिकॉज करंट इंड्यूस कर दिया सेकेंडरी करंट बनने में। वो करंट जब तक फ्लो करेगा तब तक पोटेंशियल डिफरेंस फिर भी दिखते रहेगा, इवन मेन आउटर जो एक्चुअली आर्टिफिशियल करंट स्विच ऑफ कर दिया, फिर भी करंट आउट का इनसाइड में थोड़ा बहुत टाइम तक चलते रहेगा, बिकॉज वो बैटरी के माध्यम से चल रहा है, नेचुरल बैटरी, सल्फाइड बैटरी जैसा हो जाता है, जैसे कि इधर देखो ना समझने के लिए, इधर करंट इलेक्ट्रॉन से करंट जा रहा है, तो नॉर्मल प्रोसेस में भी पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन में मिलेगा वोल्टेज डिफरेंस। लेकिन जब स्विच ऑफ कर दिया तब भी देखो इसमें इस बॉडी के अंदर करंट जाएगा, प्लस माइनस है ना, माइनस से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पॉजिटिव की तरह मूव करेगा तो करंट ऐसा जाएगा, इलेक्ट्रॉन जिस डिरेक्शन में मूव करेगा करंट अपोजिट करेगा, तो इवेंचुअली उसमें भी वोल्टेज मिलेगा। लेकिन जो सपोज हाई वोल्टेज में करंट जा रहा है, इसमें वोल्ट बहुत वेरी वेरी हाई है, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा ज़्यादा, लेकिन जब स्विच ऑफ कर दोगे ये जो वोल्ट होगा करंट उतना तो नहीं होगा ना, थोड़ा कम लेवल में होगा। तो फुल स्पीड में थोड़ा बड़ा अमाउंट का पोटेंशियल तो ड्रॉप होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा, इधर से इधर फीबली चलते रहेगा करंट। वही करंट को मिली वोल्ट के माध्यम से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, ये कि वोल्ट है लेकिन इसके अंदर में मिली वोल्ट रेंज में मिलेगा, लेकिन धीरे 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 जीरो में आएगा। तो जितना ज़्यादा टाइम से होल्ड करके रखेगा उतना अच्छा चार्जेबल मटेरियल। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ ये मान लो एक सल्फाइड्स बॉडी है, बड़ा बॉडी, तो ये बॉडी को कैसा होना चाहिए, तो फिर पूरा जगह पे सल्फाइड 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 होना चाहिए, डिसिमिनेटेड बॉडी बड़ा सा, तब क्या होगा, इधर से पूरा डिसिमिनेटेड सल्फाइड्स के प्रेजेंस से थ्रू आउट होमोजिनाइज सल्फाइड डिस्ट्रीब्यूट होने से क्या होगा, प्लस माइनस बनने में इजी रहेगा। अगर इधर थीन सा एक लाम्प है, इधर एक थीन लाम्प है, इधर एक थीन सॉरी थीन लाम्पी ये है सल्फाइड्स, अदरवाइज होमोजीनियस नहीं है, सपोज इधर एक डॉटेड एक बड़ा सा लीनियर बॉडी मान ऐसा हाथ जहाँ दिखा रहा हूँ ऐसा लाम्प, इधर एक ऐसा लाम्प, इधर एक ऐसा लाम्प, होमोजीनियस नहीं है, छोटा छोटा जगह पर डिस्क्रीट जोन में है, तब क्या होगा, तब इतना अच्छा प्लस माइनस नहीं बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। इसीलिए आईपी मैसिव सल्फाइड से ज़्यादा अच्छा डिसिमिनेटेड सल्फाइड्स को इंडिकेट करने में सुविधा होता है, इसको डिस्टेंस में और डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो तीन मेन कॉज है, देखो तीन टाइप से आईपी क्यों बनता है, फाइनली अल्टीमेटली प्लस माइनस बनना है ना, दो पोलारिटी बनना है ना, कि कैसे बनता है, ओवर बॉडी रहने से बनता है, जैसे कि अभी बोला सल्फाइड रहने से प्लस माइनस हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है,
जैसे बैटरी में होता है अभी बोला ना, ठीक है, मेटलिक मिनरल्स पोर फ्लुइड्स के बीच में, और एक्सचेंज रिएक्शन हो सकता है शेल में, मेम्ब्रेन पोलराइजेशन बोलते हैं उसको, हाइड्रोजियोलॉजिकल एप्लीकेशन रहता है, एंड हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन में भी होता है रिएक्शन, ऑर्गेनिक मटेरियल्स वगैरह से भी होता है। सो कार्बन मटेरियल्स, क्ले मिनरल्स एंड सल्फाइड्स, ये सब रहने से आईपी बहुत यूजफुल है। इतना तक समझ गया। नाउ टाइप्स एंड मोड, देखो अभी बोल रहा था ना टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन मोड होता है। टाइम डोमेन में क्या होता है, वोल्टेज रिस्पॉन्स इज ऑब्जर्व्ड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आफ्टर द इंजेक्टेड डीसी करंट इज स्विच ऑफ और ऑन। स्विच ऑफ होने के बाद टाइम को देखना है, स्विच ऑफ कर दिया उसके बाद कितना टाइम से ये धीरे धीरे गिर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो में आ रहा है, वो देखना है। व्हेयरएज इन फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या है ना, एन ऑल्टरनेटिंग करंट एसी करंट, इसमें डीसी करंट यूज होता है, फ्रीक्वेंसी में एसी करंट यूज होता है, एंड उसमें क्या देखा जाता है, फ्रीक्वेंसी चेंज करके करके देखता है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का करंट भेजा जाता है, एंड वोल्टेज फेज शिफ्ट को मेजर किया जाता है, हैं, इम्पीडेंस स्पेक्ट्रम होता है, एक डिफरेंट इंजेक्शन फ्रीक्वेंसी के हिसाब से स्पेक्ट्रम बनता है, से इसको स्पेक्ट्रल आईपी भी बोलते हैं, इसको डिटेल में बोलेंगे धीरे धीरे। सो मेजरिंग द डिकेइंग वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिव्स आइडिया ऑन अपेरेंट चार्जेबिलिटी, जितना ज़्यादा टाइम से धीरे धीरे गिरेगा पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप होगा उसका उतना अच्छा चार्जेबिलिटी है ना। इफ द सब सरफेस हैज ए हाई चार्जेबिलिटी द डीके टाइम विल बी लार्जर, द ग्राउंड विल रिमेन इलेक्ट्रिकली चार्ज फॉर लॉन्गर। इतना लेजिबली आई होप आई अंडरस्टूड। मेनी मेटल्स और सल्फाइड्स हैव हाई चार्जेबिलिटी व्हाइल ड्राई इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स हैव वेरी लो चार्जेबिलिटी। मैं बोला ना कि जो सिलिका फिलिका होने से कम रहेगा, आपको सिंपल जो ग्राउंड वाटर में ना इधर शेल क्ले मिनरल्स और सल्फाइड्स ये सब रहने से चार्ज रहता है। इसमें देखो, इसमें आई होप यू विल बी बेटर विजुअलाइज। करंट ऑन हो गया, ऑन हो गया स्विच ऑफ, ये टाइम इस डिरेक्शन में, एक पर्टिकुलर टाइम में करंट स्टार्ट किया इतना टाइम तक, ये सपोज टी वन, ये मान लो टी टू, टी वन टाइम में करंट ऑन किया, टी टू टाइम में करंट ऑफ किया, तो वोल्टेज भी आइडियली क्या होना चाहिए, टी वन टाइम में वोल्टेज बढ़ गया, टी टू टाइम में वोल्टेज बढ़ गया, फिर सडन सी टी टू में गिरेगा। लेकिन अगर चार्जेबिलिटी है तब क्या होता है, करंट ऑन किया वोल्टेज बढ़ा, करंट वोल्टेज जाएगा जाएगा सेम वोल्टेज में, सडनली करंट ऑफ किया, ये आइडियली ये वोल्टेज जीरो हो जाना चाहिए, लेकिन एक बड़ा सा ड्रॉप होके फिर देखो ये टाइम के साथ धीरे 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 ड्रॉप होके फिर जीरो आता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये दिस इज द डोमेन ऑफ आईपी, स्विच ऑफ के बाद का इंसिडेंट है, स्विच ऑफ का बाद का घटना। सो टी वन टाइम पे वोल्टेज ऐसा है, टी टू टाइम में वोल्टेज ऐसा है, करंट फरेंट कुछ नहीं है फिर भी वोल्टेज देखो है और धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा है। ये जो ड्रॉप जितना टाइम ज़्यादा टाइम से लगेगा उतना दैट मीन्स चार्ज कैरियर अच्छा है, दैट इज सल्फाइड ज़्यादा अच्छा है, तो वही तो मिनरल एक्सप्लोरेशन में काम आता है ना। तो इसीलिए इधर देखो फॉर एग्जाम्पल नॉन चार्जेबल, ठीक है, सोर्स है पोटेंशियल वोल्ट्स भी देखो, जैसे चार्जेबल नॉन चार्जेबल बॉडी होने से क्या है, जैसे करंट ऑफ किया ऑन किया सेम पैटर्न में वोल्टेज भी दिखाएगा, लेकिन चार्जेबल मटेरियल रहने से देखो करंट ऑफ ऑन तो सेम है ऐसा, इधर भी जैसा इधर, लेकिन देखो वोल्टेज का स्पेक्ट्रम ये जो ये है अलग हो गया ग्राफ, क्योंकि वो धीरे से गिरेगा घटेगा। ये देखो अगेन फर्दर ये जो वोल्टेज है, स्टेडी स्टेट वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज, ये जो पहले ऑन किया उस टाइम में ऑन, जब स्विच ऑन है करंट तब ऐसा वोल्टेज स्टेडी स्टेट, एंड ये है रेसिडुअल वोल्टेज, करंट स्विच ऑफ हो गया, ऑफ होने से धड़ाम से इतना तो गिरेगा, उसके बाद जो वोल्टेज ड्रॉप होता है ना, ये जो वोल्टेज रह गया इसको बोलते हैं सेकेंडरी वोल्टेज। यही तो मिनरल का जो रेसिमेटल सल्फाइड्स या सब सर्फेस में जो भी चार्जेबल बॉडी है उसका वोल्टेज, ठीक है, यही वोल्टेज हमारे लिए यूज होता है। सो दिस इज द डोमेन ऑफ आई पी, इसीलिए इसको आई पी इफेक्ट होता है, ये करंट स्विच ऑन स्विच ऑफ। और ये तो मैं देखा कैसे करके रखना है, इलेक्ट्रोड करंट इलेक्ट्रोड सोर्स पोटेंशियल, ऐसा
जब करंट ऑन है तब भी मेजर होगा, ऑफ होने के बाद भी देखना धीरे से मेजर होगा, यही है सिंपल। तो टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन का डिफरेंस अगर देखोगे तो स्टडी ऑफ द डिकेइंग पोटेंशियल डिफरेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज नोन एज द स्टडी ऑफ इंड्यूस पोलराइजेशन। ठीक है, डिकेइंग पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो इधर पोटेंशियल है इधर पोटेंशियल है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस किस रेट में डिके हो रहा है, वी टी वन डिवाइडेड बाई वी टी टू या ऐसा करके, मतलब जो इनिशियल वोल्टेज है और फाइनल वोल्टेज, फॉर एग्जाम्पल इधर वी टी वन जान लो, सो वी टी टू बाई वी टी वन, वैसा टू सम एक्सटेंड अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ, इट इज ए रेशियो। हाँ, स्विच ऑफ के दौरान क्या वोल्टेज था और पर्टिकुलर टाइम के इंटरवल में, सपोज वी टी वन में क्या वोल्टेज है, तो वी टी वन बाई वी जीरो, वी जीरो मतलब इधर वोल्टेज, सपोज मान लो जब स्विच ऑफ हुआ, वी टी टू बाई वी जी जीरो, सो टी वन टी टू अलग अलग टाइम में मेजर हो रहा है। ठीक है, बट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है, जियोफिजिसिस्ट ट्राई टू लोकेट पोर्शन ऑन द अर्थ व्हेयर रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड करंट इज इंक्रीज्ड। जितना करंट बढ़ेगा तो नेचुरली रेजिस्टिविटी घटेगा। हाँ, तो डिफरेंट इंटेंसिटी का करंट दिया जाता है एंड रेजिस्टिविटी का भी फ्लक्चुएशन अकॉर्डिंगली दिखा जाता है। ठीक है, तो टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन में थोड़ा डिफरेंस है। टाइम डोमेन में स्विच ऑफ का कोई बात है ही नहीं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में सॉरी, है टाइम डोमेन का बात है, स्विच ऑफ के साथ रिलेटेड है करंट का स्विच ऑफ। फ्रीक्वेंसी डोमेन में करंट अनइंटरप्टेड चलेगा लेकिन एसी में चलेगा, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट मीन्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी का करंट प्रवाह होते रहेगा एंड रेजिस्टिविटी कैसे चेंज हो रहा है वो देखना पड़ता है। ठीक है, सो ओरिजिन ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज कॉम्प्लेक्स बिकॉज इसमें बहुत सारा चीज है, फिजिको केमिकल डिफरेंट टाइप का कंडीशन रहता है, उसके में डिस्कस करेंगे। तीन टाइप का अभी बोला ना, मेम्ब्रेन पोलराइजेशन क्या क्या होता है मैं देखाऊंगा। सो मेनली आई पी सर्वर में जो मोड है ना, वोल्टेज शोज ए लार्ज इनिशियल डिक्रीज शुरू में, अभी दिखाया, जब स्विच ऑफ करोगे जोर से डिक्रीज होगा, देन डीके स्लोली ओवर टाइम स्केल ऑफ सेकेंड्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात जान लो, टाइम डोमेन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है एंड आई पी बोलने से इन जनरल लोगों को फास्ट जो इम्प्रेशन टाइम डोमेन के बारे में ही आता है। फ्रिक्वेंसी डोमेन आई पी में चार्जेबिलिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेजिस्टिविटी होता है अपरेंट रेजिस्टिविटी में। ठीक है, सो आई पी इफेक्ट्स इसी को बोलते हैं, जब स्विच ऑफ के बाद डीके पैटर्न को देखने, रेट ऑफ डीके डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्राउंड एंड द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक मिनरल्स। डीके वोल्टेज इज द रिजल्ट ऑफ स्टोरेज ऑफ एनर्जी बाई द ग्राउंड ड्यूरिंग पीरियड व्हेन डीसी करंट इज ऑन। स्विच ऑन के दौरान जितना हाईली पोलराइज होगा उतना ज़्यादा टाइम से रहेगा। हाईली पोलराइज किसका होगा, जो चीज़ ज़्यादा चार्जेबल है, जैसे कि आपका जो अभी बोला ना ग्राफाइट में भी हो सकता है, बट इन जनरल सल्फाइड बॉडी में बहुत अच्छी तरह होता है। ठीक है, सो इसीलिए इधर देखो हाई चार्जेबिलिटी जहाँ जहाँ मिल रहा है वो अलग कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, तो इंडिकेट करता है गोल्ड सिल्वर, क्योंकि ये सब सल्फाइड मिनरल्स हैं, इसके साथ सल्फाइड सब एलिमेंट के साथ सल्फाइड रहता है। When metal electrode is immersed in a solution, IP का general theory यही है कि कोई metal electrode को suppose एक solution, ionic solution में दबाया ना, तो उसमें automatically potential difference create हो जाता है। ठीक है, वो difference in potential is an explicit function of the ion concentration, valence, etc. different factors, इतना detail आपको जानने का जरूरत नहीं हालांकि। So whenever current is caused to flow across the interface between ionic एंड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, ओवर वोल्टेज इज एस्टेब्लिश। ओवर वोल्टेज मीन्स जो आई पी डोमेन आई पी इफेक्ट्स जो बोलते हैं ना, उस पोर्शन को ओवर वोल्टेज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ये देखो इधर मान लो ये प्लस माइनस में पोलराइज हुआ, अभी जब इलेक्ट्रो आप करेंट जाएगा क्या होगा, इधर ये ऐड हो रहा है इधर ये ऐड हो रहा है, तो और ज़्यादा वोल्टेज बढ़ जा रहा है ना, इसीलिए तो चार्ज इन द इंटरफेस वोल्टेज इज कॉल्ड ओवर चार्ज और पोलराइजेशन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ए सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ ओवर वोल्टेजेस आर फॉर्म्ड ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिंग पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रोलाइट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ करंट फ्लो इज शोन हियर। देखो ये इलेक्ट्रोलाइट मतलब थोड़ा पानी पोर जो आयनिक फ्लूइड्स रहता है
एंड उसमें बहुत सारा ग्रेन्स रहता है, इसको ग्रेन पोटेंशियल भी बोलते हैं, मेटालिक ग्रेन्स रहता है, एलिमेंट्स रहता है, उसको मेटल का क्या रहेगा, मेटल कुछ कुछ मेटल का क्या है ना प्रॉपर्टी रहता है, मेटालिक बॉन्डिंग रहता है ना, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छा रहता है, तो नेचुरली दे टेंड टू बी पोलराइज्ड जब इलेक्ट्रोलाइट के साथ रहेगा, मोर ओवर उसके ऊपर जब आप करंट भेजोगे और स्ट्रांगली पोलराइज्ड हो जाता है। इधर देखो ना, इधर इधर मान लो एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, देखो मूव कर रहा है, क्यों, इलेक्ट्रोड और ग्रेन पोलराइजेशन इज शोन हियर, सेम प्रोसेस एज एसपी, एसपी मेथड सेल पोटेंशियल देखा ना वैसा करके सोचो, मेटल इलेक्ट्रोड इन एन आयनिक सॉल्यूशन इज इमर्स्ड, मान लो ये जिंक का इलेक्ट्रोड है एंड इस सॉल्यूशन में प्लस माइनस आयनिक सॉल्यूशन है ना, तो दोनों रहेगा, अब क्या होगा, नो वोल्टेज अप्लाइड, कोई करंट अभी दिया ही नहीं, लेकिन फिर भी चार्जेस विद डिफरेंट पोटेंशियल पोलरिटी सेपरेट, चार्ज सेपरेशन हो जाएगा, जो चीज़ मैं अभी दिखाया ना उसी का पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन विल बी डेवलप एंड व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड करंट स्टार्ट फ्लोइंग चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, और ज़्यादा चेंज हो जाएगा, वोल्टेज जब टर्न अप हो जाएगा तब भी आयन डिफ्यूज बैक टू इक्विलिब्रियम, ये जो डिफ्यूज बैक इक्विलिब्रियम होने में जितना टाइम लगेगा तब धीरे धीरे फॉल होता है। फर्दर देखो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन आईपी में जब होगा ना, जब आप जस्ट करंट नहीं दिया तब क्या होगा, इधर देखो ऑटोमेटिक खुद रॉक के अंदर ना एक स्लाइट कंडक्शन शुरू हो जाता है, बट इलेक्ट्रोड पोलराइजेशन ऑकर्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड पार्टली एंड इलेक्ट्रोलाइटिकली एंड पार्शियली इलेक्ट्रॉनिकली, देखो इधर ग्रेन है, इधर प्लस माइनस डेवलप हो गया, इधर भी प्लस माइनस डेवलप हो गया, तो इलेक्ट्रोलाइटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन इसी को बोलते हैं, ठीक है, जब आप वोल्टेज दे दिया तब देखो और ज़्यादा हो रहा है, वैसे इलेक्ट्रोलाइटिक होने से वैसे ही एक थोड़ा मूवमेंट स्टेज में रहता है, लेकिन जब वोल्टेज डिफरेंस दे देंगे बहुत अच्छी तरह ये तो उसी के अंदर फर्दर ये हो जाता है। So when metallic minerals mineral grains block the pore spaces in a rock, an electrochemical barrier must be overcome in order to current to flow across the grain surface. So ये barrier इसके लिए बनता है, तो फिर pore space में proper sulfide से कोई metallic किया होना चाहिए। So ions accumulate at grain surfaces and the grains become polarized. When the current flow is interrupted, ions return to their equilibrium positions. That is called voltage decay. Ion का return path को suddenly return नहीं होगा ना, धीरे धीरे return होता है, वही return back को हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो I hope electrolytic and electronic conduction का बारे में clear हो गया। Electronic conduction जो है आपको voltage देना पड़ेगा, Now द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ नॉन मेटेलिक आई पी जो जो क्ले मिनरल्स में होता है ना, मेम्ब्रेन इफेक्ट्स बोलते हैं ना, तो उसमें क्या होता है इलेक्ट्रो डायलिसिस टाइप का, ऐसा करके सोचो आयन सॉर्टिंग होता है, अलोंग कैटायन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन जोन, कैटायन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन मीन्स जहाँ से कैटायन जस्ट मूव करेगा, ठीक है, मोबिलिटी ऑफ द कैटायन इज इंक्रीज रिलेटिव टू दैट ऑफ एनायन कॉजिंग आयनिक कॉन्सेंट्रेशन गैडियंस एंड देयरफॉर सो चार्जेबिलिटी को टाइम के हिसाब से क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ द एरिया अंडर द डीके का, दैट इज मिली वोल्ट सेकेंड, ठीक है, टू द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बिफोर स्विचिंग द करंट ऑफ। सो डीके का क्या है, मिली वोल्ट सेकेंड बोल रहे हो, बिकॉज मिली वोल्ट के हिसाब से ये हो रहा है, और कितना सेकेंड में देख रहे हैं स्विच ऑफ के बाद कितना नंबर में सेकेंड, आई एथ सेकेंड, वन फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, ऐसा कर, सो तीन सेकेंड में किया तो मिली वोल्ट सेकेंड डिवाइडेड बाय मिली वोल्ट, मान लो या वोल्ट, एक्चुअली तो रेशियो तो है ना, लेकिन टाइम का इम्पोर्टेंस इधर भी है, डीके कार्ड तो टाइम डीके के हिसाब, टाइम के हिसाब से देख रहे हो, तो इसीलिए अल्टीमेटली सेकेंड टाइम इम्पोर्टेंट हो जाता है। मेनी मिनरल्स जैसे क्ले हैव ए नेगेटिव नेट चार्ज रहता है, उसका जो इंटरफेरेंस रहता है ना मिनरल सरफेस एंड क्लोर फ्लूइड में एक नेगेटिव चार्ज रहता है सरफेस पे, फ्री इलेक्ट्रॉन भी रहता है ना,
पॉजिटिव आयंस देयरफॉर की क्या होगा, अट्रैक्ट होगा सरफेस में नेगेटिव एंड नेगेटिव आयंस रिपेल करेगा, सो इट विल बिल्डिंग अप, क्या करेगा लेयर बनाएगा, कैटायनिक क्लाउड बनाएगा, नेट नेगेटिव तो है ही, उसके ऊपर पॉजिटिव को अट्रैक्ट करके कैटायनिक क्लाउड बनाएगा, ठीक है, और पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन बनेगा, कोर फ्लूइड के ऊपर एक्सटेंड होकर रहेगा, ठीक है, इसी को तो मेम्ब्रेन पोलराइजेशन बोलते हैं, मेम्ब्रेन बना दे रहा है ना, पॉजिटिव को प्रेफरेंशियली खींच रहा है, ठीक है। नाउ जोन ऑफ पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन में एक्सटेंड इवन 1 मिलीमीटर इनटू द पोर फ्लूइड, इफ द पोर हैज डायमीटर ऑफ लेस देन 1 मिलीमीटर, तब क्या होगा, पूरा ब्लॉक हो जाएगा ना, देन when a voltage is applied negative ions will accumulate on one side of the pore and leave the others. I hope you understood. ये तो सेल का तो ऑटोमेटिक मेम्ब्रेन बन रहा है, ऊपर से आप जब चार्ज दोगे तो ये अलग से पॉजिटिव नेगेटिव तो ऐड हो जाएगा, नेगेटिव आयंस विल एक्यूमुलेट ऑन वन साइड ऑफ द पोर एंड लीव द अदर. When the voltage is removed, the ions return to their equilibrium position. That is voltage decay. Again, वही IP का जो process है, अलग-अलग technique से हो रहा है. So in practice, it is not possible to distinguish between membrane and electrode polarization on the basis of geophysical IP measurements. हम लोगों को final potential result मिल रहा है, कैसा drop हो रहा है, but because of whether it is membrane or electrode का जो polarization है, वो तो पता नहीं चलेगा suddenly. तो फाइनल रिजल्ट से हम लोग मतलब है, इट में गिव राइज टू ए बैकग्राउंड मेम्ब्रेन पोलराइजेशन थोड़ा कम देता है, हालांकि IPFS इक्विवेलेंट टू 0.1% 10% कंडक्टिव मिनरल्स 1-2% देता है. सो आईपी इज ए बल्क इफेक्ट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एटॉमिक स्केल रॉक और मिनरल प्रॉपर्टीज. फाइनली हम लोग बल्क से ही मतलब है, केमिकल एनर्जी इज द मेन, अल्टीमेटली इलेक्ट्रोड पोलराइजेशन को ओवर वोल्टेज बोलते हैं एंड मेम्ब्रेन पोलराइजेशन को इलेक्ट्रोलाइटिक बोलते हैं. सो मेम्ब्रेन जो इलेक्ट्रोड पोलराइजेशन इट इज रिलेटेड टू, मैं अगेन ब्रश अप करा देता हूँ, बिलो 1 kHz दोनों का है, लेकिन मेम्ब्रेन का देखो बिलो 1 Hz काफ़ी कम. सो अल्टीमेटली इलेक्ट्रोड पोलराइजेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, अगेन आपको सिग्निफिकेंट रोल अगर देखोगे तो, इसीलिए सल्फाइड्स के बारे में मैं बात कर रहा था. It is related to the transition between electrolytic and electronic conduction at the interface between, like battery, interface between pore fluid and metallic minerals in the rock, larger than the normal IP effects. It requires presence of metallic minerals or graphite. Membrane polarization mein kya hota hai? Due to variation in the mobility of ions contained within the pore fluids, it is called normal IP effects. ठीक है, इसको नॉर्मल बोलते हैं, लेकिन उसको देखो लार्जर देन नॉर्मल आईपी इफेक्ट्स. ठीक है, इट मे ऑकर इन रॉक्स विच कंटेन नो मेटलिक मिनरल्स इवन मेम्ब्रेन पोलराइजेशन. सो देयरफॉर हमारे लिए इलेक्ट्रोड पोलराइजेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ एक्सप्लोरेशन. तो चार्जेबिलिटी आप खुद ही देखो, जैसे कि पाइराइट, पाइराइट का मिली सेकेंड 13.4 मिली सेकेंड, चैंकोसाइट का अभी समझ रहे हो ना 13.4 मिलीवोल्ट सेकेंड बाय मिलीवोल्ट, तो मिलीवोल्ट मिलीवोल्ट कैंसिल हो गया क्या मिलीसेकेंड. ठीक है, सो चैल्कोसाइट का भी 13.3, ऐसा करके देखो हिमाटाइट बहुत कम है, मेलाकाइट कम है. तो हमारा चार्जेबिलिटी जहाँ जहाँ ज़्यादा है वो सब इम्पोर्टेंट है एक्सप्लोरेशन में, ग्राफाइट, कॉपर, चैल्कोसाइट, पाइराइट, चैल्कोपाइराइट, ये सब का एक्सप्लोरेशन में बहुत यूजफुल है. चार्जेबिलिटी का वैल्यू भी देख लो, इसमें क्या देखा था 13.4, ये मिनरल के हिसाब से बोल, अभी रॉक के हिसाब से देखो मिली सेकेंड 2000 to 3000, जब 20% सल्फाइड रहता है 8 to 20 होने से थोड़ा कमेगा, जितना सल्फाइड कंटेंट कमेगा वैल्यू भी कम रहा है. देखो सैंडस्टोन में देखो है ही नहीं 3, सो सैंडस्टोन यूज भी होता भी नहीं ना, चार्जेबिलिटी प्रॉपर्टी मेटालिक प्रॉपर्टी है स्पेशली सल्फाइड्स का. इन एक्सप्लोरेशन जियोफिजिक्स chargeability measurements are often used to detect sulfide mineralization, since the presence of sulfides is associated with many economically significant ores, जैसे कि कॉपर, निकेल, गोल्ड, सिल्वर भी होता है.
Sulfide minerals, which often contain metals like copper, zinc, lead, and others, can exhibit higher chargeability compared to other minerals due to several factors, जैसे कि मैं डिस्कस किया. सो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल, इसको मैं राइट अप करके रखा हूँ. मेन जो क्वेश्चन है, वाई सल्फाइड सो हाई चार्जेबिलिटी, बिकॉज सल्फाइड्स का इलेक्ट्रिकल कॉन्डक्टिविटी ज़्यादा है, पोलराइजेशन इफेक्ट्स ज़्यादा है, मेटलिक बॉन्ड्स रहता है, सो मेटल कॉन्टेंट ज़्यादा होता है, ये सब इम्पोर्टेंट है. सल्फाइड मिनरल्स जनरली मोर कॉन्डक्टिव देन ऑक्साइड, इसलिए तो नेचुरली. एंड पोलराइजेशन इफेक्ट सल्फाइड में ज़्यादा रहता है, बैटरी बन जाता है, जैसा मैं बोला था ना. ऐसा मान लो एक नॉर्मल नॉन सल्फाइड जिसमें ये बनता नहीं, मान लो बेसाल्टिक क्ले है, सपोज बेसाल्ट क्ले है. इधर देखो जैसा इन एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड्स, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव सब ऐसा ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है, इधर भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन इसमें स्लाइटली इलेक्ट्रिक फील्ड देने से देखो मेटल सल्फाइड में क्या होता है, एनोनिक एंड कैटायनिक साइड पूरा डिस्टिंग्विशेबली डिफरेंट हो जाता है. अगेन इसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड को बंद कर दोगे, ये धीरे धीरे फिर रिटर्न बैक होगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये धीरे धीरे होगा. इसमें देखो ये करने से भी उतना अच्छा होगा ही नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस माइनस में, हाँ, और हटाने से भी कुछ मतलब नहीं है. सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ चार्जेबिलिटी का इम्पोर्टेंस इन केस ऑफ मेटालिक. अगेन देखो मेम्ब्रेन पोलराइजेशन में भी देखो पोर स्पेस, एक पोर स्पेस में, पोर थ्रोट में बोल रहा था ना, 1 मिलीमीटर से ज़्यादा ये होने से उठ के. अभी देखो क्ले मिनरल्स का क्या है, नेगेटिवली चार्ज सरफेस है, सो नेचुरली एक्सटर्नल कैटायन इसके चारों तरफ पे घिर जाएगा. अभी कैटायन आके देखो पोर स्लिट को बंद कर दिया, पोर थ्रोट बंद कर देने से क्या होगा, ऐसा बंद हो गया. अभी व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अप्लाइड, इधर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आके एक पर्टिकुलर साइड के तरफ प्रेफरेंशियली आ जाएगा, और दूसरा साइड में देखो पॉजिटिव, तो आर्टिफिशियली और ज़्यादा ड्यूरेबल एक प्लस माइनस हो गया, नेट चार्ज डाइपोल बन गया, है ना. ये है मेम्ब्रेन पोलराइज, तो ये सभी को इम्पोर्टेंस है इस दोनों को. अल्टीमेटली हमारे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेटेलिक सल्फाइड्स के लिए. तो ग्राउंड में जब सर्वे करते हो सभी का ऑल टूगेदर इफेक्ट्स आपके हाथ में आएगा, उससे आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक्चुअल चीज़ को, ठीक है. तो यही इंटीग्रल फॉर्म में स्पेक्ट्रोलाइट के टाइम पे आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में स्टडी होता है ना. इधर देखो एक सल्फाइड कितना साइज टाइम से हो सकता है, ये एक मैसिव बॉडी, ये वेन टाइप का बॉडी, एंड ये डिसिमिनेटेड. अल्टीमेटली आप जब आईपी सर्वे करोगे इसके थ्रू, ये जो दिखा रहा हूँ जो डिसिमिनेट, ये देखो एक कोर फोटो, ये नॉर्मल जस्ट एक स्केच, एंड ये न्यूमेरिकल मॉडल. न्यूमेरिकल मॉडल एक स्पेसिफाइड फील्ड है, मान भूल जाओ अभी के लिए, ये दोनों को कॉन्सेंट्रेट करो. सो ऐसा करके डिसिमिनेटेड है जहाँ पे, वहाँ पे अगर करंट फ्लो करोगे क्या होगा, बहुत अच्छी तरह प्लस और माइनस बन जाएगा. लेकिन अगर इधर से करंट फ्लो होगा, ये तो इसमें बॉडी के अंदर प्लस माइनस उतना अच्छा बन नहीं पाएगा ना, कि ये डिस्क्रीट बॉडी है. इधर क्या काफ़ी स्पेस है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट का, ठीक है. इधर भी देखो, इधर तो बनेगा ही नहीं उतना अच्छा, क्योंकि एक लैंप टाइप का है, हाँ. तो हमेशा याद रखना डिसिमिनेटेड फॉर्म में जब सल्फाइड्स रहता है तब अच्छा होता है ना. इसको स्केल के ऊपर डिपेंड करता है, छोटा सा एक बॉडी है लैंप, ये बड़ा सा बॉडी के अंदर छोटा 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 पूरा चारों तरफ है, इसके भी प्लस माइनस बनेगा. ये एक बड़ा, ये जो बॉडी है ना, इसके अंदर भी एक पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, लेकिन ये बहुत छोटा है ना, एक छोटा लैंप. यही अगर लैंप बड़ा सा बॉडी है तब बनेगा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक्सट्रीम में. अल्टीमेटली दो पोल बनना इम्पोर्टेंट है, ठीक है. सो सल्फाइड्स ऑफन कॉन्टेन मेटालिक एलिमेंट्स लाइक आयरन, कॉपर, जिंक, लेड. दिस मेटालिक एलिमेंट्स हैव इलेक्ट्रॉन्स. That electrons are more mobile compared to those in non-metallic minerals. When an electric field is applied, these mobile electrons can respond more readily, leading to polarization. So, decimated sulfides are better represented than. Further, आप चाहो तो इसको pause करके पढ़ सकते हो.
why disseminated sulfides are better represented than massive lump. Disseminated sulfides are distributed throughout a larger volume of rock and typically have higher surface area compared to massive lumpy sulfides, which are concentrated in discrete zones or veins. So massive lumpy hota hai na. So this the increased surface area of disseminated sulfides, kya karega? It will enhance their interaction with electric field. Itna surface area utna electric field ke sath enhancements property probability badhega, hai na? It will generate kya karega? Electric field ke sath jyada interaction hone se IPSR mein stronger polarization response hai. And the distribution of sulfides in disseminated form allow for better connectivity and interconnection of conductive pathways within the rock matrix, which facilitates the movement of charge carriers, that is electron, in response of applied. And moreover, IP survey typically have limitations in their ability to resolve small scale features. Abhi bol raha tha na, scale ka baat. Or discrete anomalies, especially in areas with complex geology, strong background noise. Disseminated sulfides being more widespread and interconnected, it produce larger and more continuous anomalies. That is, lumpy होने से नहीं है मिलेगा ऐसा नहीं. Lumpy मतलब बहुत सारा lumpy होने से भी बड़ा scale में disseminate मान सकते हो. लेकिन एक single छोटा सा pocket जैसा sulfide का patch है तब नहीं होगा. लेकिन बहुत जगह बड़ा 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 lump बहुत area जुड़ के है तब भी it will टोटली ऑल टूगेदर इट विल बी रिगार्डेड एज ए डिसिमिनेटेड. बड़ा बड़ा लाप का डिसिमिनेशन बात को समझना है, ठीक है. सो आई पी इफेक्ट्स डिपेंड्स ऑन ग्रेन साइज. लार्ज सर्फाइड ग्रेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ करेंट थ्रू इट, स्मॉल सर्फेस बाई वॉल्यूम रेशियो. ई आई पी आई बार इज ए फंक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ ग्रेन सर्फेस एक्सपोज टू द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन. सो जितना लार्ज सरफेस एरिया होगा क्या होगा ग्रेन का, लार्ज ग्रेन होने से करंट ज़्यादा जाएगा बट सरफेस में वॉल्यूम रेशियो कम हो जाएगा. दोनों चीज इंपॉर्टेंट है. सो देयरफॉर एज द ग्रेन साइज इज रिड्यूस्ड आई पी इफेक्ट इंक्रीजेस. हाउएवर फॉर वेरी स्मॉल ग्रेन साइज द सरफेस रेजिस्टेंस इज टू लार्ज. ग्रेटेस्ट आई पी इफेक्ट फॉर इंटरमीडिएट वैल्यूज ऑफ सल्फाइड ग्रेन साइजेस. इधर देखो ग्रेन साइज वर्सेस इंड्यूस्ड प्रोलिफरेशन दिखाया गया है. अब देखो एक पर्टिकुलर रेंज का ग्रेन साइज रहने से जो डिसिमिनेट फॉर्म में रहेगा, इवन उससे छोटा होने से डिसिमिनेट रहने से भी अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि बहुत छोटा छोटा ग्रेन टोटली डिसिमिनेट रहने से भी क्लोज स्पेसिंग में वो एक सॉलिड कॉन्क्रीट जैसा बॉडी दिखाएगा. करंट कैसा करके चीज को समझना है वो इम्पोर्टेंट. सो इन टाइम डोमेन आईपी द मेन पैरामीटर्स क्या है, अपरेंट रेजिस्टिविटी एंड चार्जेबिलिटी. अपरेंट रेजिस्टिविटी तो बोला के इंटू वी पी बाई वी, वी इक्वल टू आई आर, आर इक्वल टू वी बाई आई. नाउ आर को रो एल बाई ए बोलते हो, सो के मतलब ए बाई एल, ये एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है. तो अपरेंट रेजिस्टिविटी अल्टीमेटली वोल्टेज के ऊपर और करंट के ऊपर डिपेंड करेगा. एंड दैट इज ऑल्सो ट्रू फॉर चार्जेबिलिटी इन ए इन वन सेंस, ठीक है. सो ये वी पी पोटेंशियल और ये वी एस, जब करंट स्विच ऑफ हो गया, जब करंट ऑन था मेन, उस टाइम पोटेंशियल डिफरेंस ये ड्रॉप हो गया, उसके बाद गिर रहा है. उसके बाद जब गिरेगा टाइम के साथ, देखो धीरे धीरे धीरे, मान लो टी वन टी टू टी थ्री टी फोर, टी जीरो मतलब जब स्विच ऑफ हुआ, ठीक है. एन इक्वल टू तो फोर, मान लो चार स्टेज में हम लोग कर रहे हैं. सो इन प्रैक्टिस इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर वी एस, द वोल्टेज एट करेंट ऑफ. स्विच ऑफ के दौरान एक बहुत ड्रॉप हुआ, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू मेजर कैसे करो, ये सब तो इंटीग्रेटेड माइक्रो सेकेंड का बात है ना. तो आफ्टर इनिशियल डीके द डीके वोल्टेज इज मेजर्ड एट ए सीरीज ऑफ डिले टाइम्स. एक इंस्टेंट में नहीं, एक टाइम के रेंज के बारे में बात हो रहा है. तो मेजर वोल्टेजेस आर देन अप्रोक्सीमेटेड द एरिया अंडर द डीके का, ये जो एरिया के हिसाब से बोल रहे हैं ना. सो इंटीग्रेशन फॉर्म में क्या है, दो वी पी मतलब प्राइमरी वोल्टेज, जो जैसे करंट स्विच ऑन था, ठीक है, वन बाई वी पी एंड समेशन ऑफ वी टी डी टी, टी वन टू टी एन. नाउ बोला ना इनिशियल वोल्टेज और दो वोल्टेज का रेशियो, शुरू में ही तो बोला.
तो टी मतलब क्या है, मिली सेकेंड के हिसाब से बोलोगे, व्हेन टी एर इज द टाइम कोरेस्पॉन्डिंग टू द लास्ट वोल्टेज, इधर मान लो फोर, इधर टी फोर में किया ना, टी फोर ठीक है, तो टी फोर टी वन से मान लो टी वन टू टी फोर इज द रेंज, तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ समेशन ऑफ वी टी बाई वी टी डी टी बाई वी पी, इसका इंटीग्रेशन है ना, सो दैट द अपेरेंट चार्जेबिलिटी इज द एरिया अंडर द वोल्टेज डीके का डिवाइडेड बाई प्राइमरी वोल्टेज, इन प्रैक्टिस यूनिट्स आर मिली सेकेंड्स, ठीक है, मिली सेकेंड्स यूनिट में होता है. Apparent chargeability depends on actual values of T1 and Tn and may be different for different field instruments. So ultimately T millisecond मतलब ये मान लो, for example ये मान लो 4 millisecond, ये मान लो 1 millisecond for example. तो 4 millisecond में क्या value होगा, integration of V4 by Vp, 1 by Vp Vt dt, हाँ? Now derivative ये calculus के बाद आप simple way में अगर देखोगे, apparent chargeability also depends on charging time. A highly polarizable earth will give rise to a longer IP decay and hence large chargeability. ये सब चीज आप चाहो तो देख सकते हो पॉज करके भी, टाइम मिला जा रहा है, नेक्स्ट पे जा रहा है. तो ये जस्ट कुछ मैथमेटिक्स है, आपको ज़्यादा जरूरत नहीं, लेकिन जस्ट समझने के लिए ये सही गेल का कुछ इक्वेशन है. इन द थियोरिटिकल एक्सप्रेशन फॉर अपरेंट रेजिस्टिविटी इज नोन, देन कोरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन फॉर द रिड्यूस्ड अपरेंट चार्जेबिलिटी कैन बी डिराइव्ड. अल्टीमेटली इधर क्या है ना, हेट्रोजीनियस मीडियम के लिए डिफरेंट टाइप का मीडियम है, अलग अलग इन मटेरियल से सपोज सभी का अपरेंट चार्जेबिलिटी अलग अलग है, सो इट इज अपरेंट रेजिस्टिविटी के साथ एक लेना देना है, समेशन ऑफ एन आई दैट इज चार्जेबिलिटी ऑफ द मटेरियल एंड रो आई मतलब रेजिस्टिविटी, अपरेंट रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल. ये जरूरत नहीं उतना, फिर भी मैं जस्ट रख दिया. So, equation of the IP reference interpretation, the most common methods of interpretation IP data is via automatic two-dimensional inversion. Inversion of IP data results in cross-sections of resistivity and chargeability versus depth, which are similar to geological cross-sections. Similar, not exactly same. So, inversion of data is performed in real time by some instruments, and inverted sections are now standard product delivered by geophysical contractors. Remember, resolution, suppression of features and model equivalence apply to any best fit geophysical model, so be prepared to supply the relevant modeling information. Now kuch example dekh lete hain, kuch kuch jagah pe dekho, just utna detail mein jaane ka zarurat hai. Ye dekho IP resistivity ke comparison mein आईपी का वैल्यू कितना ज़्यादा सुंदर आता है, अपरेंट आईपी फेज या अपरेंट रेजिस्टिविटी, देखो इतना क्लियर आ रहा है इसमें, देखो पता नहीं चल रहा है इसमें भी, देखो 2D रेजिस्टिविटी सेक्शन 2D आईपी सेक्शन, ठीक है, आप चार्जिबिलिटी एनोमली को कितना सुंदर तरीके से देख पा रहे हो, इधर वो पता नहीं चले. सो ऑफकोर्स आईपी इन टर्म्स ऑफ मिली वोल्ट पर वोल्ट सेकेंड मिली सेकेंड अब जो भी है ये बेटर रिजल्ट देता है. So the IP effects voltage decay after switching off, summary में अब क्या क्या take away है, for a geologist ज़्यादा कुछ नहीं, आप just understanding simple सुनना है, time domain में switch off होने के बाद measure लेना है, हा? And determination of apparent chargeability होता है mainly, and pseudo sections बहुत useful है, depth of investigations जानने के लिए, इन्वर्सन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रेजिस्टिविटी एंड चार्जेबिलिटी रिजल्ट्स, ये सब एस्पेक्ट्स मेन है आईपी सर्वर में, ठीक है.
I hope you have enjoyed. Thank you.